मेरा नाम दिप्ति है मैं एक अनाथ आश्रम में रहती मेरे साथ यहाँ कुल बीस बच्चे थे सभी बच्चे अलग अलग उम्र के थे आश्रम में हर वक्त डर का माहौल रहता जितने भी बड़े बच्चे थे वो सारे सरिता मैडम से बहुत डरते थे मैं तो अभी सिर्फ 12 साल की थी इसीलिए मेरा वक्त ज़्यादातर खेल कूद में गुजरता आश्रम में मैं सिर्फ छोटे मोटे काम किया करती या कोई किसी को चीज़ चाहिए होती तो वो उठाकर दे दिया करती हम बच्चों का और तो कोई था नहीं इस दुनिया में इसीलिए हम एक दूसरे को ही अपना परिवार मानते मुझसे जो भी बड़ी उम्र की लड़कियां थी वो मेरे लिए मेरी बड़ी बहनें थी और जो भी मुझसे छोटे थे उनके लिए मैं दीदी दी। आश्रम में अलग ही माहौल था वहाँ बड़ी बहनों को हर गलती पर कड़ी सज़ा मिलती एक दिन हमारे आश्रम में सरिता मैडम से मिलने उनकी सहेली आई तो मेरी बड़ी दीदी जल्दी से चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गई तो मेरी दूसरी बहन नाश्ते की प्लेट तैयार करने लगी एक ट्रे में सारे नमकीन बिस्किट वगैरह सेट कर चुकी थी और सब तैयार होने के बाद मुस्कान दीदी सजाई ट्रे को लेकर मैडम की रूम की तरफ जाने लगी थी तभी रास्ते में उनका पैर अटक गया और वो ट्रे के साथ गिर गई अचानक से शोर सुनकर जब मैडम बाहर निकले तो दीदी को देखकर उनके चेहरे का भाव बदल गया दीदी डरी सहमी सी मैडम को देखने लगी मैडम के एक इशारे पर दूसरी बहन आगे आई और दीदी को उठाकर ले गई और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया बाहर से कुंडी लगा दी और फिर जल्दी जल्दी से सब कुछ समेटने लगी ये सब देख मैडम की सहेली बोली सरिता कोई बात नहीं बच्ची को कुछ मत कहना वैसे ही मैं जाने वाली थी लेकिन मैडम के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही थी उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं मैडम बोले कि नहीं नूतन इन बच्चियों को समझना चाहिए कि इनकी नादानियों का क्या असर हो सकता है उनकी परवरिश मैंने की है डोनर आएंगे तो हमारे आश्रम के बारे में क्या सोचेंगे वैसे ही यहाँ पैसे की तंगी चालू है और डोनर भी पैसे देने से मुकर गए तो हमारा क्या होगा मैं उनकी हर गलती बचपन से माफ़ करती आई हूँ मगर अब बहुत हो गया मैडम के शब्दों में किसी किस्म की कोई ढील नहीं थी नूतन जो मैडम की दोस्त थी वो ठंडी सांस भर कर वहाँ से चली गई क्योंकि सब जानते थे कि मैडम अगर कोई बात कह दे या किसी भी चीज़ के बारे में सोच ले तो कोई उन्हें वापस पीछे हटाने की हिम्मत नहीं रखता उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब हम बहनों को दहला देने के लिए काफ़ी था मैडम ने जालिम की तरह दीदी को रात में बाहर निकाला और फिर डांट लगाकर वापस दोबारा कमरे में बंद कर दिया उस वक्त दीदी की उम्र 21 साल की थी और मैडम का ऐसा जालिम व्यवहार हमने पहली बार देखा था रात को दीदी को कमरे में बंद करने के बाद हम सबको छत पर भेज दिया गया कि कोई भी लड़की नीचे नहीं आएगी अगर किसी ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा हम सब बहनें पूरी रात जागते रहे क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था मैडम ने हमें हर काम सिखाया था लेकिन पहले कभी गलती करते तो समझाकर छोड़ देती थी लेकिन कमरे में पूरी रात अकेले बंद करना बहुत खतरनाक था रात को रोते रोते पता नहीं हमारी आग कब लग गई मैं जब सुबह उठी तो बाकी सारी बहनें अभी तक सो रही थी मैं जानती थी कि अगर मैडम ने हमें इतने देर सोते हुए देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी इसीलिए मैंने सबको जल्दी से उठाया और कहा कि मैडम आ रही है जिस पर सब बहनों ने फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने काम करना शुरू कर दिया सुबह के आठ बजे मैडम अपने कमरे से बाहर निकली और उस कमरे में चली गई जहाँ पर दीदी को बंद किया गया था कुछ देर बाद दीदी कमरे से लंगड़ाकर चलती हुई बाहर निकली और उनके पीछे मैडम भी बाहर आ गई उनके हाथों में बहुत सारे नोट थे दीदी के कमरे से बाहर निकलते ही मैडम ने उस कमरे को बंद करके ताला लगा लिया और दीदी को एक गोली निकालकर पानी के साथ दी मैडम ने सभी बहनों से कहा कि कोई भी शोर ना करे तुम्हारी बहन सोने जा रही है साथ में वो दीदी को सहारा देकर अपने कमरे में ले गई जहा पर वो दीदी के सोते ही बाहर आई और हम सबके काम गौर से देखने लगी हम सब लोग अभी तक परेशान थे कोई नहीं जानता था कि मैडम ने ऐसा क्यों किया है चलो कमरे में बंद करने वाली बात तो समझ में आती है लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकली तो पूरी तरह से लंगड़ा रही थी क्या वहाँ पर कोई था जैसे दीदी को पीटा था मैं समझ नहीं पा रही थी दोपहर को एक घंटे हम सब बहनों को सोना होता था लेकिन उस दिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी मैं चाहकर भी सो नहीं पाई मेरे सामने दीदी का बार बार बेबस और मुरझाया हुआ चेहरा सामने आ जाता और मैं परेशानी से करवटें बदलने लगती हाल में मैडम हम सबको छत पर सुलाकर जिस कमरे में दीदी को बंद किया था उस कमरे में डाला लगा देती और ख़ुद बाहर बैठी रहती हम सब बहनों ने एक दो बार दीदी से पूछने की कोशिश की कि तुम्हारी टांग को क्या हुआ था तुम क्यों लंगड़ा रही थी जिस पर वो चुप करके सिर झुका गई और कुछ नहीं बोली धीरे धीरे सारी बहनों ने पूछना ही बंद कर दिया लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें चल रही थी मैंने तकरीबन दीदी से तीन दिन सर खपाया लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और मुझे कुछ भी नहीं बताया आखिर एक दिन जब मैंने उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और फिर चिल्ला कर बोली तुम अभी छोटी हो अच्छे से काम किया करो किसी काम में कोई गलती मत करना वरना मेरी जैसी सजा तुम्हें भी मिलेगी और अब भगवान की कसम है तुम्हें मुझे मत पूछना कि क्या हुआ था मेरे साथ मैं अपना सवाल भूल गई और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई दीदी से और गुस्से में कमरे से बाहर आ गए मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके साथ ही रोना भी आ रहा था बार बार मन में बस यही बात आती कि क्या था बस मैंने तो यही पूछा था कि तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही हो ऐसी क्या सजा दी थी मैडम ने मगर दीदी ने इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा अब कभी मैं उनसे बात नहीं करूंगी ऐसे रोते रोते मैं सो गई मुझे लगा था कि मेरे बात ना करने पे मेरी बहन को फ़र्क पड़ेगा मगर उसे तो किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता सिवाय मैडम के मैडम के एक इशारे पर वो खड़ी हो जाती और मैडम के एक इशारे पर बैठ जाती अब मैडम रोज़ ही उसके कामों में कमियां निकालती अगर कहीं मिट्टी का एक दाग भी दिखाई देता तो मैडम दीदी को उस कमरे में भेज देती और अगले दिन बेचारी लंगड़ाते हुए चलकर बाहर आती मुझे ये देखकर दीदी के लिए तरस भी आता था और मैडम के लिए गुस्सा बढ़ जाता अगर सज़ा ही देनी है तो फिर सुबह को आराम की गोली क्यों खिलाती हो बिचारी दीदी से मेरा गुस्सा छः सात दिन में ख़त्म हो चुका था क्योंकि मुझसे मेरी बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती थी एक दिन जब मेरी दूसरी बहन सुनैना से सब्जी जल गई तो मैडम बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और रात के समय मेरी उस बहन को भी उस कमरे में बंद करके ताला लगा दिया हम सब बहनों को छत पर भेज दिया गया और ख़ुद बाहर कुर्सी रखकर बैठ गई हम सब बहनों को अब आदत सी हो चुकी थी तो हम सब बहनें सो गई मगर रात को किसी के सिस्कियों की आवाज़ से मेरी आँख खुली तो मुस्कान दीदी घुटनों में सिर दिए बैठी थी मुझे लगा शायद उनकी टाँग में बहुत दर्द हो रहा है तभी वो ऐसे बैठी है जल्दी से मैं दीदी के पास गई और उनका सिर उठाया तो वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी मैं घबरा गई और दीदी से कहा कि दीदी क्या हो गया ज़्यादा दर्द हो रहा है मैं मैडम को बुलाऊँ दीदी ने मेरी पहली बात पर कोई जवाब नहीं दिया लेकिन जब मैंने मैडम को बुलाने की बात की तो वो चौक गई और जल्दी से अपने आंसू पहुँच लिए कहने लगी दीप्ति मैडम को नहीं बुलाना अब मुझे दर्द नहीं हो रहा इतना कहकर वो सोने लगी मैं अपनी जगह पर जाने लगी तो दीदी मुझसे सिर्फ इतना बोली दीप्ति तुम कोई भी गलती मत करना इतना अच्छा काम करना कि तुम्हें मैडम कभी कोई सज़ा ना दे सके मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी फिर फिर पूछा दीदी तुम क्यों रो रही हो मैं उनकी बात पर बहुत ज्यादा हैरान थी तभी तभी दीदी के दिल से मचलता हुआ सवाल जबान पर आ गया बस बस मुझे सुनाना की फिक्र हो रही है जिसे मैडम ने कमरे में बंद कर दिया है मैं इसीलिए रो रही हूँ चार कैसे रहेगी मुझे दीदी की बात से सहमति थी अगले दिन जब मैडम ने सुनैना दीदी को कमरे से बाहर निकाला तो उन्हें भी एक गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया और हम सब बहनों को शोर करने से मना कर दिया अगर किसी ने शोर किया तो अच्छा नहीं होगा मैडम के शब्द हमें हमेशा ही डरा देते थे तो मैं भी चुपचाप एक कोने में बैठ गई मैंने सोच लिया था शाम शाम को सुनैना दीदी से पूछूंगी वो थोड़ी ना मुस्कान दीदी की तरह है जो मुझे कुछ नहीं बताएगी मुझे यकीन है कि आज मुझे सब कुछ पता चल जाएगा लेकिन शाम को जब सुनैना दीदी सोकर बाहर आई तो चुपचाप घर के कामों में बिजी हो गई मैं जो काम से दूर भागती थी जल्दी से अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और बातों ही बातों में पूछा सुनैना दीदी क्या हो रहा है आपकी टांग को ज़्यादा दर्द तो नहीं है ना मैं दबा दूँ लेकिन वो एकदम खामोश थी मैं मैंने तीन चार बार यही बात पूछी लेकिन जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं गुस्से से बोले कि पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है जिससे कुछ भी पूछो तो बस चुप रह जाता है मुस्कान दीदी से पूछा तो वो कुछ नहीं बताती तुमसे पूछो तो तुम भी चुप हो मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत दुख से कहा दिप्टी अगर हम इस एक ही बात का जवाब नहीं दे रहे तो क्या ये अच्छी बात नहीं तुम इस सवाल को बार बार ना करो अब इन सब बातों का जवाब ना देने की भी एक वजह है और तुम अभी बहुत छोटी हो फाल फालतू तो सवाल जवाब करने से अच्छा है कि तुम अच्छे से काम किया करो प्रार्थना करो कि तुमसे कभी कोई गलती ना हो मैं रात को लेटे हुए ये सब सोच रही थी इन सब बातों ने मुझे डरा कर रख दिया था कुछ ही दिनों में मैडम ने उस कमरे को तुड़वा कर बहुत बड़ा बना दिया था तब से मैडम बहुत खुश खुश रहा करती रोज ही सब बहनों का काम देखती और जिसका काम ज़रा भी ख़राब होता तो तो उसे उस रूम में डाल दिया करती और फिर अगले दिन बहन लंगड़ाते हुए कमरे से निकलती तो उसको गोली खिलाकर सुला देती और खुद ढेर सारे नोट उठा लिया करती इसी तरह चार साल हो गए और आश्रम की सभी लड़कियां मैडम की ये सज़ा पा चुकी थी सिवाय मेरे क्योंकि मैं अभी कोई काम नहीं करती थी और ना ही मेरी बहन ने मुझे करने देती थी अगर मैं किसी काम को हाथ लगाती तो वो रोक देती और काम छीन कर खुद करने लगती मुझे बहुत अजीब लगता कब तक ये मुझे एक छोटी बच्ची समझती रहेंगी जब भी मैं काम करने की जिद करती तो वो तो उन सब का यही जवाब होता अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मैडम तुम्हें भी वो सज़ा देगी मेरा दिल बहुत चाहता था कि उनसे पूछूं कि ऐसी ऐसी कौन सी सज़ा है जिसे तुम सब इस कदर डरती हो लेकिन आज तक किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था अब सिर्फ एक ही हाल था कि मैं काम करूं और मैडम मुझे सजा के तौर पर उस रूम में बंद कर सके बहनों का व्यवहार अजीब ही था कोई भी मुझे काम में हाथ नहीं लगाने देता था मेरा शक सातवें आसमान पर पहुंच गया एक दिन मैंने खाना खाया जल्दी से कांच के ग्लास में पानी पीकर ग्लास को हाथ मारा जिसकी वजह से ग्लास टूट गया मैडम गुस्से से मेरी तरफ आने लगी लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी उन्होंने मुझे रूम में बंद करने को कहा और कहा अच्छी तरह खा पी लो बाद में पूरी रात कुछ भी नहीं मिलेगा मैंने किचन में जाकर अच्छी तरह खाना खाया मेरे पीछे मेरी एक बहन चली आई और मेरा दुपट्टा निकाल कर खुद ओढ़ लिया मैं चीख पड़ी कि नहीं मुझे खुद जाना है जिस पर वो बोली अच्छा मुझे जाने दो तुम ऐसा करो उधर पर्दे के पीछे चुप जाना तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा मैडम ने जैसे ही बहन को रूम में डाला चलाके से मैं भी अंदर घुस गई और पर्दे के पीछे चुप गई रूम बंद होने के बाद मेरी तो जान निकल गई वहाँ एक खुफिया दीवार थी जिसे सरकाते ही सामने खूबसूरत सा कमरा था जिस पर ज़मीन पर कालीन बिछाई गई थी और इधर उधर तकिए के साथ अलग अलग मर्द शराब पीते बैठे थे थोड़ी देर बाद एक लड़की बहन को दूसरे पर्दे के पीछे ले गई जब बहन वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी किसी दुल्हन की तरह फिर गाना बजने लगा और मेरी बहन उस गाने पर नाचने लगी वो पूरी रात नाचती रही और मैं रोते हुए अपनी बहन को अपने हिस्से की सजा सहते हुए देखती रही फिर आखिर जब नाच खत्म हुआ तो लोग बोली लगाने लगे और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला वही एक दूसरे कमरे में उसके साथ बाकी रात गुजारता सुबह हुई तो वो आदमी वहाँ से जा चुके थे लेकिन जाने से पहले सब सब अपने हिसाब के मुताबिक पैसे रख कर जा रहे थे मेरी बहन इस कदर थक गई जब मैडम ने दरवाज़ा खोला तो उससे चला ही नहीं जा रहा था लंगड़ाते हुए बाहर निकली मैं भी चुपके से उसके पीछे बाहर निकली मैं बहुत जुनूनी लड़की थी मेरी सब बहनों ने ये सब तो बैदाश कर लिया लेकिन मेरे लिए आंखों देखा निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था मैं सोच मैंने सोच लिया था कि आज रात को मैडम के किए की कि सज़ा उनको ज़रूर दूंगी आज फिर मैंने गलती की मैडम ने फिर मुझे भेजना चाहा मगर रात को वहां जाने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया था और वो भी ये कि हमारे आश्रम में जो डोनर आते थे उनमें से जो आई ऑफिसर थे और जो मीडिया वाले थे उनका नंबर मैंने ऑफिस के रजिस्टर से चुरा लिया और उनको कॉल करके ये सारी हकीक़त बता दी ये भी बताया कि आज रात आपको अपनी आँखों से सच का पता चल जाएगा मेरी बात पर भरोसा करके वो लोग आ गए और जैसे ही मैडम मुझे रूम में लेकर गई वो भी पीछे कैमरा ले आए मैडम बहुत घबरा गई और बार बार मुझे उनके देखते हुए अपने गले से लगाने लगी और कहने लगी ये तो मेरी बेटी जैसी है अभी नादान है पुलिस वालों ने मैडम को पकड़ लिया और अगले चार घंटे में मैडम जेल के अंदर बैठी थी आश्रम की सब लड़कियां मुझसे बुरी तरह नाराज थी कि मैडम के साथ मैंने ऐसा क्यों किया मगर मैं चुप थी मैंने कोई जवाब नहीं दिया बस अपनी बहनों को बचाना चाहती थी अगले दिन एक लेडी कांस्टेबल ने हमें बताया उस और, उस औरत ने जुर्म किया है वो हम सब लड़कियों को हमारे माँ बाप के यहाँ से किडनैप करके लाई थी ताकि हम बड़े होकर उसका ये कारोबार करें उसने आश्रम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनाया था असल में उसका मकसद काले धंधे करने का था ये बात सुनकर हम सब लड़कियों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा पुलिस ने कहा कि वो हमें हमारे असली माता पिता के पास तक पहुंचा देंगे लेकिन हम सब ने मना कर दिया और हम सब ने कहा कि हमें एक साथ ही रहना है और हम बहनें कभी अलग नहीं हो सकती हम हमेशा एक साथ ही रहेंगी तो हमें एक एन में जगह दे दी गई वहाँ हमारी काउंसलिंग की गई हम अपने पैरों पर खड़े हो सके उसकी तालीम दी गई अब हम एक साथ खुश हैं एक दूसरे को ही अपना परिवार मानते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद